आइए भाई साहब, संभल के खेलिएगा, ये भावुक होने का समय नहीं है। आप अपने भावुक होने को निकाल दीजिए। आमतौर पर जितनी महिलाएं आती है ना यहाँ, हम उनको टिश्यू देते हैं, लेकिन अब पहली बार किसी पुरुष को हम देने जा रहे हैं। ये लीजिए, ये भी ले लीजिए। और चाहिए क्या? एक डब्बा तैयार रखना भैया, ज्यादा लगने वाला होगा। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। लाइए हमको दीजिए, कहाँ गया है किसी? हम रख लेंगे। नहीं नहीं, ज्योतिर्मय जी ने बोला तो उसको पूरा करना पड़े। ऑलराइट, आपकी उम्र कितनी है ऋषि जी? सर 24 साल। 24 साल की उम्र में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं? सर बहुत। इतनी कम उम्र में इतनी सारी जो है जिम्मेदारियां आपने ले ली हैं, इसकी हम सराहना तो करेंगे ही, लेकिन आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं भाई साहब। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत से जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो अलग अलग आशाएं लेकर के आते हैं, आपके मन में क्या है? मैं भारी से भारी रकम यहाँ से जीत के जाऊँ और उसको इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करूँ। मेरी मम्मी ने बहुत दुख सहा है, मेरे पापा ने बहुत दुख सहा है। उन्होंने अपनी ज़मीन बेची तब हमारा घर बन पाया, मम्मी ने गहने बेचे तब घर का सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हो पाया, अभी पूरी तरह से वो बन भी नहीं पाया है। हम लोग भाई लोग कह रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, धीरे धीरे वो काम बढ़ रहा है, पर उसमें वो धीरे धीरे बहुत स्लो काम हो रहा है जी। उसको जल्दी मुझे करना है और मुझे आगे पढ़ाई भी करनी है। मेरे पढ़ने का बहुत शौक था जी जी, मुझे मौका नहीं मिल पाया क्योंकि फाइनेंस अच्छा नहीं था हमारा, तो सर मुझे वो भी सर वापस स्टार्ट करनी है पढ़ाई। मान्यवर, अब आप अपने ज्ञान के बल पर जितनी भी आपकी आशाएं हैं, न केवल आपका माता जी का आशीर्वाद है, हम सब का आशीर्वाद आपके साथ है सर, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी आशाएं हैं वो सब पूरी हो। बहुत बहुत बधाई आपको ऋषि जी। पहला प्रश्न, 1000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सब्जी आमतौर पर हरे रंग की नहीं होती है? विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स इज जनरली नॉट ग्रीन इन कलर। ऑप्शन सुनिए, ए पीस, बी पोटेटो, सी ओकरा, डी फेनुग्रीक। मटर, आलू, भिंडी या मेथी? बी आलू। आलू, बी आलू पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने ऋषि जी। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म के मुख्य अभिनेता SRK नाम से भी जाने जाते हैं? द लीड एक्टर इन विच ऑफ दीज मूवीज इज पॉपुलरली नोन एज SRK। ऑप्शन सुनिए, ए जीरो, बी एक विलन, सी टू स्टेट्स, डी थ्री इडियट्स। सर लॉक कर दीजिए, ए जीरो। ए जीरो लॉक कर दिया जाए। ए जीरो पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब है। पहले से ही ताली बजा दिया। छठा प्रश्न, 20000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ऋषि जी ये रहा। भारतीय दंड संहिता की इनमें से कौन सी धारा धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों से संबंधित है? Which of these sections of the Indian Penal Code deals with crimes related to cheating? ये लीजिए, आपके सामने विकल्प आ रहे हैं। ए धारा 364, बी सेक्शन 420, सी धारा 268 या डी धारा 319। सर धारा 420। धारा 420? यस। क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए। बी सेक्शन 420 पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, 80000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
स्विट्जरलैंड के झंडे पर सफेद रंग में किस गणितीय चिन्ह की आकृति है? द फ्लैग ऑफ स्विट्जरलैंड हैज द शेप ऑफ विच मैथमेटिकल सिंबल ऑन इट इन व्हाइट? ऑप्शन सुनिए, ए एडिशन, बी सब्ट्रैक्शन, सी मल्टीप्लिकेशन या डी डिवीजन? जोड़, घटाओ, गुणा या भाग? झंडा देखा होगा आपने कभी स्विट्जरलैंड का, क्या आकृति बनी हुई है? आकृति तो याद है, पर वो कौन से रंग की है? सफेद रंग। रंग नहीं चाहिए सर, सिंबल कौन सा है सर? ए जोड़। जोड़ जी सर, एडिशन जी सर। ताला लगा दिया जाए एडिशन पे। सही जवाब दिया है आपने, बधाई हो। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ₹2022 राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता था? Who among the following did not win a gold medal for India at the 2022 Commonwealth Games? ऑप्शन सुनिए, ए बजरंग पुनिया, बी नीरज चोपड़ा, सी पीवी सिंधु, डी मीराबाई चानू। सब बहुत ही प्रचलित नाम सर कॉमनवेल्थ गेम्स में ना। हाँ जी, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात। नहीं जीता था है? नीरज चोपड़ा सर, बी। नीरज चोपड़ा जी, बी सर, जी। लगाए ताला जी सर, बी पे ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए। नीरज चोपड़ा, बिल्कुल सही उत्तर दिया। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किन्होंने 2022 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था, जिनका पहला कार्यकाल केवल 7 दिनों का था? While his first term lasted only 7 days, who took the oath as chief minister for the 8th time in 2022? Options: A. Nitish Kumar, B. N. Chandrababu Naidu, C. Ashok Gehlot, D. Naveen Patnaik. सर एन चंद्रबाबू नायडू सर जो अभी वो मुख्यमंत्री हैं ही नहीं, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और सर अशोक गहलोत हैं सर, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री पर ये 2 या 3 बार जीते हैं, और नीतीश कुमार सर हाल ही में फिर से उन्होंने शपथ ली है सर, तो ए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ जाएंगे जी सर। ऑलराइट, ए नीतीश कुमार लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। 12वां प्रश्न आ गया है, 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिंदगी एक सफर नामक डॉक्यूमेंट्री किस गायक के जीवन पर आधारित है? Which singer's life was the basis for the documentary Zindagi Ek Safar? Vikalp suniye, A. Mohammad Rafi, B. Manna Day, C. Kishore Kumar, D. Hemant Kumar. Sir, ye gana to bahut mashhoor hai, maine suna bhi hai, main purane gaane bahut sunta hu. Ye gana Zindagi Ek Safar sir Kishore Kumar ka gaya hua hai sir gana ye. सर मैं लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेंगे जी सर। ऑलराइट, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ज्ञाननाथ जी ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई और आपका समय शुरू होता है अब।
सी किशोर कुमार को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 50%। जी सर। क्या करेंगे? सी के साथ जाना चाहेंगे, किशोर कुमार जाएंगे उनके साथ। ऑलराइट, ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं ऋषि जी, सी किशोर कुमार को लॉक किया जाए। शुरू में आप भी वहीं जा रहे थे। जी सर। जनता बिल्कुल सही निकली, बधाई आपको।